तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और जीत का दावा भी ठोक रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, बात की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव नजदीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर पहुंचते हैं, सीएम पद जो है कहीं ना कहीं कहा कि जो नेतृत्व है वो नायब सैनी का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर अमित शाह जी वहाँ जाएंगे तो ये थोड़ा कहेंगे कि अब की बार हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी है और रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि अभी 4 महीने पहले बने हैं तो यही मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी हरियाणा में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस की पोजीशन को सर किस तरीके से देख रहे हैं? आपने इतने चुनाव देखे हैं सर, जिस तरीके के मसले तमाम देखने को मिलते हुए नजर आए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि संविधान का जो मसला है वो भी जो है विधानसभा चुनाव में लेकर जाएंगे, कितनी मजबूत जो है कांग्रेस अपने आप को देख रही है? हरियाणा में विपक्ष को अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही है विपक्ष, और ये जो परिणाम आए हैं इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका तो वर्चस्व, तो मैं क्या कहूँगा, उनकी तो जगह ही ख़त्म हो गई, वो तो नगण्य है एक किस्म से वोटों के मामले में। और यानी बीएसपी, इनेलो, जेजेपी, ये ऐसी पार्टियां जो तीनों मिला के भी 3%, 3.5% वोट नहीं दे सकी, और जेजेपी जिसके 10 MLA हो उसको 1% वोट भी नहीं मिला, 0.89% वोट है उनका। तो इसलिए कांग्रेस का जो जैसे भी परिणाम आए हैं उससे लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। और मैं तो ये भी मान के चलता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज अगर देखा जाए तो 70% वोट बीजेपी के विरोध में है, असेंबली इलेक्शन जब आएगा। ये स्थिति कांग्रेस किस तरीके से खुद को मजबूत करेगी? हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद कुछ जो सवाल है वो कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो उठाते हुए जो है नजर आए थे, इस तरह की जो चीज़ें हैं विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिलते हुए नजर तरीके के, सर आप समझते हैं कि एक रोड मैप हो सकता है? मैंने तो बता दिया कि कांग्रेस इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी ये लगने लग गया कि हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो मजबूत रहेंगे, आराम से हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। और आप ये कहें कि उनको ये आभास कैसे हुआ, ये वोटर जो है उसका मन है ये कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कौन हराएगा? कांग्रेस हराएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।